हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज कुणाल चावला एंड यू आर वाचिंग डिजाइन मोर डिजाइन हाउस। सो इन टुडेस वीडियो वी विल बी मेकिंग सम 3D मॉडल्स इन एडोब इलस्ट्रेटर। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द वीडियो। सो नाउ यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। सो मैं आज आपको शोकेस करने वाला हूँ कि कैसे आप एक वाइन बॉटल को बना सकते हैं आउट ऑफ स्क्रैच। सो ये रही जो वाइन बॉटल मैंने बनाई थी, ये रही वो वाइन बॉटल। एंड अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ये रहे मेरे सारे के सारे जो कि वाइन बॉटल्स मैंने यूज किए। सो ये मैंने पिक्सल से डाउनलोड कर रखे हैं, ये एक रास्टर इमेज है। अब हमें इसके थ्रू इसको लाइक ट्रेस करने के बाद हम एक वाइन बॉटल को बनाएंगे। सो मैंने अपना ऑलरेडी जो मार्क था वो पहले ही बना लिया था। अगर आपको जानना है कि मैंने ये कैसे बनाया तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका प्रोसीजर बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता सकता हूँ। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी बॉटल्स को खोलेंगे एंड देन इसके बाद हम रूलर्स को यूज करेंगे, Ctrl+R टू एक्टिवेट द रूलर्स। एंड हम इस ब्लैक वाली जो बॉटल है इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको सेंटर में ले जाता हूँ। मैंने अब इसके सेंटर को देख लिया है कि कहाँ पे इसका सेंटर है। सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जाएंगे अपने पेन टूल के ऊपर। एंड पेन टूल के ऊपर जाने के बाद सो दिस इज माय पेन टूल। तो पेन टूल पे जाने के बाद मैं ऑल्ट दबा के, ऑल्ट प्रेस करके एंड होल्ड करके मैं जूम इन करूंगा एंड देन मैं इस बॉटल के हाफ पार्ट को ट्रेस करूंगा। सो उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं उसके अंदर कलर फिल करूं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं उसके पाथ को सेलेक्ट करूंगा। सो सबसे पहले मैं अपनी शेप को सेलेक्ट करता हूं, दिस वन, एंड देन मैं जाऊंगा अपने कलर पिकर टूल के ऊपर। एंड कलर पिकर टूल के अंदर जाने के बाद मैं इसका कोई बहुत ही ज्यादा डार्क कलर चूज करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं चूज करूंगा, दिस विल बी फाइन। ओके, सो मैंने ये कलर चूज कर लिया है इसके लिए। एंड देन मैं अपने नेक्स्ट पाथ की तरफ जाऊंगा इस वाले के ऊपर एंड देन मैं चूज करता हूं अब एक थोड़ा सा लाइटर कलर, यस दिस विल बी ओके। सो मैंने यहाँ पे अब कलर्स भर दिए हुए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिवॉल्व करे। तो उसके लिए उससे पहले हमें एक काम करना होगा, जो हमने मार्क बनाया उसको हमें सिंबल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने मार्क के ऊपर एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C टू कॉपी एंड देन Ctrl+V टू पेस्ट इट ओवर हियर एंड देन मैं अपने सिंबल्स पैनल के अंदर इसको ड्रैग करके ले जाऊंगा। सिंबल्स पैनल पे ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क, ओके एंड क्लिक ऑन ओके। सो आप देख सकते हैं कि इसका एक सिंबल बन चुका है, क्योंकि हमें इसको मैप आर्ट ऑप्शन के अंदर यूज करना होगा। तो अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर दिया मैंने इसको। एंड इसके बाद हम जाएंगे अपनी शेप के ऊपर एंड देन वी विल बी गोइंग टू इफेक्ट 3D रिवॉल्व। अगेन इफेक्ट 3D रिवॉल्व, प्रीव्यू पे क्लिक करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका प्रीव्यू जो है, जो बॉटल का स्ट्रक्चर जो है वो इस साइड लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो राइट साइड की तरफ आए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट एज को चेंज करके राइट एज में कर देंगे एंड इसके बाद हम अपनी जो शेडिंग है उसको प्लास्टिक शेडिंग में रहने देंगे। एंड हम यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिससे आप शेडिंग एड कर सकते हो, यानी कि लाइटिंग एड कर सकते हो किसी भी एक 3D मॉडल के अंदर। उसके लिए आप जाओगे मोर ऑप्शंस के ऊपर। मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद ये रहा आपका स्फीयर, जो कि आपको बताता है कि आपकी लाइट का सोर्स कहाँ जा रहा है। नाउ अब आप इसको जैसे कि आप, मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ तो ये अपने आप ही लाइटिंग जो है चेंज हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं इसके अंदर एक थोड़ी और लाइटिंग ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ी और लाइटिंग ऐड करूंगा एंड देन मैं इस मार्कर को किसी भी तरीके से यहाँ पे मूव करा सकता हूँ जैसे मेरा मन करे। So, मेरे को ये लाइटिंग कंडीशन ठीक लग रही है। तो इसके बाद मैं जाऊंगा अपने मैप आर्ट ऑप्शन के ऊपर। तो मैप आर्ट ऑप्शन के अंदर में जाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो सरफेस जो है वो हाईलाइट हो गया हुआ है, बट हमें इस सरफेस के अंदर काम नहीं है। सो हम यहाँ पे सरफेसेस को चेंज करेंगे
सो ये रहा मेरा सरफेस जिसके ऊपर मेरे को काम है। सो जो आपका ब्लैक वाला जो रीजन है यहाँ पे वो दिखाता है कि जो बॉटल के पीछे वाले हिस्से को, एंड जो लाइट वाला रीजन होता है वो रीजन जो सामने की तरफ हमें दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ पे अपने सिंबल को प्लेस करेंगे मार्क को। सो थोड़ा टाइम दीजिएगा बिकॉज ये थोड़ा बहुत ही हाई लेवल वेक्टर इमेज है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब हम इसको बस एडजस्ट करेंगे यहाँ पे जैसा हमारा मन करेगा, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके। सो नाउ यू कैन सी आपने एक सिंबल को एम्बेडेड कर दिया एक 3D मॉडल के ऊपर। एंड नाउ अब आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि आपका जो ऊपर वाला जो कैप है वो भी सेम उससे हो जाए, लाइक सेम रिवॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करो, आपकी एक इमेज बनके तैयार है। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले पे क्लिक करना है, दिस वन। एंड अब आपको सीधे जाना इफेक्ट के ऊपर, अप्लाई रिवॉल्व, ये अपने आप ही उसको रिवॉल्व कर देगा और उसकी जो जितनी भी सेटिंग्स जो आपने लगाई थी वो सारी की सारी इसमें अपने आप अप्लाई हो जाएगी। नाउ बस अब आपको इसको प्लेस करना है। मैं काम करता हूँ, मैं इसकी जो लेयर्स है उसको स्वैप कर देता हूँ। और कैसी मैंने जो एक बॉर्डर स्ट्रक्चर है उसको मैंने बना दिया है बाय यूजिंग सिंपल स्टेप्स इन Adobe Illustrator। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब सो नाउ यू कैन सी कि मैंने कुछ ग्रेप्स भी यहाँ पे यूज कर रखे हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने शेप के ऊपर, देन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इलिप्स टूल के ऊपर जाऊंगा मैं अपने, एंड देन मैं एक इलिप्स ड्रॉ करूंगा। जो आपकी मर्जी हो वैसा आप शेप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये रिकमेंडेड है कि आप जो है ये जो बनाएंगे क्या नाम है अपने ग्रेप्स, वो आप दूसरी लेयर पे बनाएं बिकॉज आपको कई सारी सेटिंग्स करने का मन हो सकता है। तो आप क्या करें, एक नई लेयर के अंदर जाएं एंड देन इन ग्रेप्स को वहीं पे बनाएं। ओके सो नाउ अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे एक कलर जो ग्रेप्स के अंदर होता है, लाइक ज्यादातर जो ग्रेप्स होते हैं वो आपके या तो ग्रीन कलर के होते हैं या फिर आपके लाइक पर्पल कलर के होते हैं। तो हम पर्पल कलर के ऊपर जाएंगे, थोड़े डार्क पर्पल के ऊपर जाएंगे आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैक कलर लेते हैं। ओके नाउ उसको थोड़ा पर्पलिश टिंट देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने मैश टूल के ऊपर जाऊंगा। सो दिस इज बेसिकली द मैश टूल। सो मैश टूल क्या करता है, आपके किसी भी एक जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक नया एंकर पॉइंट ऐड कर देता है और उसको एक 3D इफेक्ट देने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया एंकर पॉइंट बन चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पे कलर्स को ऐड करने वाला हूँ। नाउ यू वॉच द मैजिक। एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा जो टिंट है एक क्या कहते हैं पर्पल कलर का वो आ चुका है। अगर आप ज्यादा लाइट चाहते हैं तो आप ज्यादा लाइट भी कर सकते हैं, बात नहीं है। आप मैश को चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आप मैश को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस बाय टेकिंग द सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और लाइटिंग अच्छी हो इसके अंदर, तो उसके लिए मैं एक और इमेज बनाऊंगा एंड देन उसको मैं यहां पे प्लेस करूंगा। ओके नाउ मैं इसको कर लेता हूं व्हाइट कलर के अंदर। व्हाइट कलर में करने के बाद मैं इस पे अप्लाई करूंगा गॉसियन ब्लर। सो हम जाएंगे इफेक्ट एंड देन हम जाएंगे ब्लर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आप प्रीव्यू पे क्लिक करिए, अगर आपको सही लगता है जैसा भी वैसा आप इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे को ये ओके लग रहा है तो मैं इसे अप्लाई करूंगा। सो नाउ यू कैन सी एक 3D इफेक्ट आ रहा है हमारे ग्रेप्स के अंदर। सो नाउ अब हम एक पूरी जो ये जो आपका पूरा ग्रेप्स है उसको हम करेंगे ग्रुप। सो इसको आप पूरे को सेलेक्ट कीजिए। नाउ प्रेस कंट्रोल जी और राइट क्लिक एंड ग्रुप, दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नाउ अब आप इनको प्लेस कर दीजिए एंड आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लीजिए। बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग ऑल्ट यू कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज ग्रेप्स एंड आप अलग अलग शेप्स के अंदर उनको डाल सकते हैं। ओके सो नाउ मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेप्स बना दी है, आप और भी ग्रेप्स बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी बॉटल है इसके अंदर थोड़ा 3D इफेक्ट और आने के लिए कुछ शेडोज को मैं ऐड करूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइटिंग कंडीशन जो है वो इधर की तरफ से आ रही है, तो हम इधर की साइड पे थोड़ा सा लाइक अपने राइट साइड में हम एक शेडो को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इलिप्स टूल को लेंगे एंड देन हम एक इलिप्स को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस।
एंड इसके अंदर हम फिल करेंगे अपने किसी भी कलर को, जैसा आप अप्लाई कर दो। ओके, नाउ मैं अप्लाई करूंगा फिर से इफेक्ट ब्लर, गॉसियन ब्लर। आई थिंक गॉसियन ब्लर ज्यादा हो गया है, तो हम सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं। आई थिंक यहाँ तक इसको ऐसे रहने देते हैं, एंड देन हम इसके ओपेसिटी को नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। यस, नाउ इट लुक्स ओके। अब हम इसको प्लेस कर देंगे जहाँ भी हमें ये चाहिए। ओके, सो लाइक मेरे को ये यहाँ पे सही लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, एंड हम इनकी लेयर्स को अब स्वैप कर देंगे। एंड देयर यू गो, you have created a 3D border out of scratch. I hope you loved this video, and if you did, do like and subscribe to this channel, and also click on that notification icon so that you get notified whenever I upload a video over this channel. And if you are new to this channel, watch my previous videos here in the cards, and also follow me over my social media handles. Link is in the description. So this is Kunal Chavla, aka Designer Mo, signing off.